अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, सर्दियां हैं और सर्दियों में जो फ्रूट ज़्यादा खाया जाता है और जिसका जूस भी ज़्यादा पिया जाता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, वो ऑरेंज है। तो हमने सोचा ऑरेंज से कोई मज़ेदार सा डिलाइट बनाया जाए। तो उसके लिए आज हम बना रहे हैं ऑरेंज मूस केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और मखमली सा होता है। तो उसके लिए फ्यू इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंज जूस, जो कि मैंने 2 कप लिया है फ्रेश निकाल के, ये फ्रेश ही हमें चाहिए। उसके बाद मैंने लिए पाउडर शुगर। ये आपके पास घर में दूसरी हो तो आप पाउडर बना लें, वरना वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून हमें चाहिए जेलेटिन पाउडर। जिसके पास ना हो वो इसे स्किप कर दे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें हम डाल लेंगे अब जूस सारा। ये इस डिश की ट्रिक ये ही है कि आपको फ्रेश जूस चाहिए, वरना इसका वो जायका अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें डाल देंगे जेलेटिन पाउडर, कॉर्नफ्लोर और पाउडर शुगर। अब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी, उसके बाद हमने इसे चूल्हे पे रखना है, वरना ये जो गुठलियाँ हैं ना, आपको अभी नज़र आ रही हैं, सारी बन जाएंगी और केक स्मूथ नहीं बनेगा। इसलिए हमने पहले सब चीज़ों को यकजान कर लेना है। देखिए, मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है इसे और हमने ये जो विस्क है ना, ये करते रहना इसे साथ साथ, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये इसके बॉयल होने का और थोड़ा सा थिक होने का हमने वेट करना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसे थिक करना है। तो देखते जाते हैं कब तक ये थिक होता है। तकरीबन इसमें 4 या 5 मिनट लगेंगे और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी जो है तैयार हो जाती है। चलाते जाना है मुसलसल, ताकि ये स्मूथ सा बने। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हमने ना इसमें एक नया टच देना है, जो आपको दिखाना है आगे। तो आपने ये जब ट्राई करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी, क्योंकि इसमें 3-4 फ्लेवर जो है ना, वो हमने मिक्स करके तब जाके ये केक बनाना है। ये बहुत ही सिंपल सा नहीं हमने बना देना, इसे अच्छे से सजाएंगे ताकि पता चले कि केक है और लुक भी देखने में लगे और अट्रैक्टिव भी होगा बहुत। आपके घर अगर मेहमान आए तो आप बना के रखें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होंगे। जो चीज़ें उन्हें देखने में अच्छी लगती हैं वो फ़ौरन से खा लेते हैं, इसलिए ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो इसका मज़ा दोबाला ही हो जाएगा, जो हमने आगे इंग्रेडिएंट यूज़ करना है। इसलिए आपने सारा देखते जाना है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। अब हमने ख़ास कर ख्याल रखना है कि इसमें चलाते जाना है हमने, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। देखिए, ये थिक हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी भी डिश में शिफ्ट कर लेते हैं, जिसमें भी आपने इसे जमाना हो। तो हमने क्योंकि इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, तो इसे उसी तरह के मोल्ड में डाल देंगे। ये मैंने एक चकोर जो है वो लिया है मोल्ड, और इसमें ये डाल देंगे सारी बेस में हमने। और इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए हमने कम से कम इसे फ्रीज़र में रखना है। चलें, ये फ्रीज़र में रख देते हैं। अब देखें, जो ऑरेंज मूस केक हमने बनाया था ना, वो हमने फ्रीज़र में रखा हुआ है। और साथ ही उसका दूसरा स्टेप जल्दी जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं, जो कि मैंने गाजर का जूस लिया ताज़ा निकाल के। इसमें सेम वही प्रोसेस है। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, 1 टीस्पून मैंने डाली है जेलेटिन पाउडर और चीनी डाली है हस्बे ज़रूरत, 2 टेबलस्पून वैसे मैंने डाली है। और इसे भी जल्दी जल्दी से थिक कर लेते हैं और ये उसका दूसरा स्टेप है, ऊपर डाल देंगे और फिर फ्रीज़र में रख देंगे। असल में ये बन रहा है ऑरेंज एंड कैरेट मूस केक, यानी कि अब ये स्टेप जो है ये ज़्यादा मज़े का लग गया, तो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसका नाम जो है वो डबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कलर भी अच्छा हो जाएगा दोनों का। देखिए, ये ऊपर डाल रही हूँ मैं और अब इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए हमने रख देना है तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। जी, ये देखें, मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो चुका है। अब इसे हम ऑरेंज एंड कैरेट मूस केक कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और टी टाइम में आप दे सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं। दावत में बना सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे बना सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। बस फ्रीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना वैसे तो बहुत आसान है, कोई भी बना लेता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि किस तरह का बना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।